रात्रि क्लास चल रहा था 28/11/1967 दूसरे पेज की मध्य अंत में बात चल रही थी कि ये जो बेहद का सृष्टि का ड्रामा है इसकी दो खासियत हैं खास, एक तो अविनाशी है, इम्पेरिशेबल वर्ल्ड ड्रामा है, और दूसरी खासियत क्या है, प्रीऑर्डिनेंट, अर्थात ये बना बनाया, पहले से बना बनाया ड्रामा है। कोई ये प्रश्न नहीं कर सकता कि ये कब बनाया, तो ये कभी भी विनाश नहीं होता है, अनादि अविनाशी ड्रामा है। क्योंकि तुम खुद आकर के कहते हो ना, बाबा हम 5000 वर्ष पहले भी ये आकर के आपसे रचयिता को जाना, और रचयिता द्वारा हम रचना के आदि मध्यंत को समझ गए। पहले किसको जाना है, पहले किसको जाना, अरे आत्मा को जाना, आत्मा रचयिता, आत्मा तो निराकार है, सृष्टि तो साकार है। अरे कौन सा बाप, बाप तो दुनिया में ढेर सारे हैं, है लौकिक बाप कितने हो गए है, और ये मनुष्य सृष्टि का बाप वो भी बाप है, और आत्माओं का बाप वो भी बाप है। तो किसके द्वारा जाना, और पहले पहले है इस अविनाशी ड्रामा को जाना किसके द्वारा, रचयिता बाप के द्वारा जाना। कौन हुआ, मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है वो है रचयिता। ऐसे नहीं कहेंगे कि निराकार सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु हेवनली गॉड फादर रचयिता है, अरे वो तो निराकार है, तो निराकार की रचना करेगा या साकार की रचना करेगा। बाप जैसा होगा वैसा ही बच्चा पैदा होगा, बाप हाथी जैसा डील डाला होगा तो बच्चा भी कैसा पैदा करेगा, हाथी जैसा डील, बाप सांप जैसा लंबा होगा तो बच्चा भी कैसा होगा, लंबा। अब वो निराकार है तो क्या पैदा करेगा, निराकार आत्माओं का जन्म देगा ना, पहचान देगा ना कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो जिनको जिनको ये बुद्धि में बैठता जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, वास्तव में मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, वो जैसे जन्म लेते जाते हैं, पैदा होते जाते हैं, संसार में प्रत्यक्ष होते जाएंगे, प्रत्यक्ष होना माना पैदा होना। तो वो निराकार आत्मा हुई, उसको रचयिता नहीं कहेंगे। किसका रचयिता, किसको रचने आया है, साकार सृष्टि को रचने आया है ना, और साकार सृष्टि में भी दुखी सृष्टि को या सुखी सृष्टि को रचने आया, सुखी सृष्टि को रचने आया। जो स्वर्ग है वो सुखी सृष्टि है, और नई दुनिया को ही सुखी सृष्टि कहा जाए। नया मकान होता है तो उसमें ज्यादा सुख होता है, और एकदम पुराना जर्जरी भूत टपकने वाला मकान बन गया तो सुखदायी है नहीं। तो ये सृष्टि रूपी मकान कहो या सृष्टि रूपी वृक्ष कहो, है इसको बनाने वाला साकार होगा या निराकार होगा, अरे क्या होगा, साकार ही होगा ना। तो जिस मुकर्रर रथ में, साकार रथ में वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर प्रवेश करता है, वो हुआ रचयिता। तो उस रचयिता बाप को जाना जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, साकार है, और उस रचयिता के द्वारा हम रचना के आदि मध्यंत को समझ गए। क्या कहा,
द्वारा, द्वारा माने मीडिया है, बीच में मीडिया है, है तो समझाने वाला कौन है फिर? अरे अरे माइक है, लाउड स्पीकर है, उसमें से आवाज आ रही है, उस लाउड स्पीकर की माइक की आवाज से हमने सुना, तो क्या लाउड स्पीकर के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन जाना चाहिए, किसके ऊपर जाना चाहिए? अरे उस लाउड स्पीकर में किसी ने आवाज डाली होगी ना, तो वो डालने वाला कौन हुआ? वो साकार बाप के अंदर जो मीडिया है, वो निराकार ज्योति बिंदु शिव है। ऐसे नहीं, वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी जो होते हैं वो क्या समझते हैं? क्या के वो निराकार है, वो ही रचयिता है, वो रचयिता है, है? वो डायरेक्ट रचयिता नहीं है, लेकिन वो समझाने वाला है, है? रचयिता है तो रचने वाला करता हुआ ना, क्या करता है? वो तो अकर्ता है। तो बताया उस रचयिता बाप के द्वारा जो मीडिया बनता है मुकर्रर रथधारी है, उसके द्वारा हम रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। क्या रचना? ये जो सृष्टि है ये रचना है। कैसी सृष्टि? पहले तो नई सृष्टि होगी। अरे मकान बनाया जाएगा तो पहले नया होगा ना। हाँ, तो बताया उस रचना के आदि का माने सृष्टि का आदि मध्य अंत होगा ना, तो ये सृष्टि का भी आदि मध्य अंत है। आदि है सतयुग, मध्य है द्वापर और अंत है कलयुग। तो उस आदि मध्य अंत को हम समझ गए। बाप भी ऐसे कहते हैं, भी क्यों लगाई दिया है? बाप भी ऐसे कहते हैं, ऐसे क्यों लगाई दिया? और कौन कहता है? अरे भी लगाई दिया तो इसका मतलब कोई और भी है ना कहने वाला, तो कौन है? जवाब नहीं आ रहा जल्दी से है। अरे इतनी देर, कौन सा बाप है? बाप भी ऐसे कहते हैं कि मेरे द्वारा मेरे को जान, मेरे द्वारा, द्वारा माने मीडिया है, माने साकार मुकर रथ हुआ वो साकारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे शास्त्रों में अर्जुन नाम दे दिया, जिसके रथ में मैं आता हूं। लेकिन गलती क्या कर दी उन्होंने शास्त्रकारों ने? उसमें कृष्ण बच्चे को बैठा दिया है? और बच्चे को भी बच्चे के रूप में भी नहीं बैठा दिया, समझाने वाला बैठा दिया बड़े रूप में है। अरे बच्चा समझाता है कि बड़ा रूप समझाता है? बड़ा रूप समझाता है ना, है? लेकिन मंदिरों में क्या दिखाया? पूजा किसकी करते हो? पूजा बड़े कृष्ण की नहीं करते, पूजा किसकी करते? हाँ छोटे बच्चे की करते। क्यों? छोटे बच्चे की पूजा क्यों करते जब वो समझदार नहीं होता है? बच्चा तो समझदार नहीं होता, बेसमझ होता है, है? हाँ, क्योंकि वो बच्चा भी पवित्र बच्चा है। क्या? परम पवित्र बाप है, वर प्योर, तो उसका बच्चा भी पहलोटी का कैसा होगा? परम पवित्र होगा। जैसे दुनिया में बाप होते हैं ना, तो बड़े लंबे समय की प्योरिटी है ब्रह्मचर्य जीवन में धारण करते हैं ना। हाँ, 18-20 साल के, 25 साल के हो जाते हैं, है? और लंबे समय की पवित्रता की पावर उनमें इकट्ठी हो जाती है, तो जो पहला बच्चा पैदा करेंगे वो तो पावरफुल ही होगा ना, है? पूरी सात्विक पावर होगी कि नहीं? बाद में जो बच्चे पैदा होंगे उनमें उतनी ताकत, हाँ, उतनी सात्विकता, उतनी पवित्रता का भंडार होगा? नहीं होगा। तो बताया बाप भी ऐसे कहते, माने मैं भी ऐसे कहता हूं। कौन? शिव बाप, हेवनली गॉड फादर भी ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही समझाते हैं, और जिसके द्वारा समझाते हैं वो भी मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है। बेहद का बाप है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की तरह है। अरे क्राइस्ट के फॉलोअर्स जो हैं वो कहेंगे हम तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद है हमारी, है 200-250 करोड़ क्रिश्चियन से बने बैठे हैं इस दुनिया, तो
हमारा बाबा, हमारा बाप और जो क्राइस्ट है वो बेहद का बाप है, तो बेहद का बाप है, है? अरे सारी मनुष्य सृष्टि की आबादी 200-250 करोड़ या 500-700 करोड़ से भी ऊपर चली जाती है, 500-700 करोड़ से भी ऊपर चली जाती है, तो बेहद का कौन हुआ? क्राइस्ट हुआ? नहीं, बेहद का वो ही हुआ जिसको क्राइस्ट भी मानता है, इब्राहिम भी मानता है, मुसलमान भी मानते हैं, सभी धर्म पिताएं मानते जरूर हैं। क्या? कि वो कोई हुआ है आदमी बहुत पुराना है। हाँ, उसकी पुरानी बातें जब कोई उठाते हैं ना, उखाड़ते हैं ना, तो अरे तुम क्या बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो, तो सबसे पुराना हुआ बाबा आदम कि नहीं? क्राइस्ट भी मानते, क्रिश्चियन भी मानते हैं कि नहीं बाबा आदम को? एडम नाम दे दिया है, नाम भले अलग अलग दे दिए हैं लेकिन वो नामों में साम्यता तो एक ही जैसी है। चाहे आदम कह दो, चाहे एडम कह दो, चाहे आदिदेव कह दो, चाहे जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं वो कह दो, आ तो पहला अक्षर आया ना, है? आया कि नहीं आया? जैसे सभी देवता में ऊंचे से ऊंचे देवता तीन माने जाते हैं, कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो उनमें पहला अक्षर कौन? आ उ मा, तीन को मिला के ये ब्रह्मा का, ब्रह्मा का आ, ब्रह्मा उ विष्णु मा महेश, तो उसमें पहला अक्षर कौन सा आया? आया ना, ब्रह्मा का आया ना, तो ब्रह्मा का नाम पहले क्यों? ब्रह्मा का ज्यादा पावरफुल होता है क्या? हाँ होता है, वो ब्रह्मा नहीं जो मनुष्य गुरुओं ने समझ लिया है चार मुखों वाला ब्रह्मा, चार मुखों का संगठन, नहीं वो तो दिशाओं की तरफ देखने वाले हैं, है? उनकी बुद्धि तो दुनिया में इधर उधर फैली हुई है, ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा थोड़ा ही है, तो ऊंचा ब्रह्मा कौन हुआ है? ऊंचा ब्रह्मा तो वही हुआ जिसका मुख दिशाओं में इधर उधर की दुनिया में नहीं जाता है, ऊपर जाता है। तो ऊपर कौन? ऊपर तो वो आत्माओं का लोक, आत्माओं के लोक का जो अधिष्ठाता है वो तो आत्माओं का बाप है, कौन? शिव सुप्रीम सोल। तो बताया वो सुप्रीम सोल बाप भी कहते हैं क्या? कि ये ड्रामा कैसा है? है अविनाशी ड्रामा है और अनादि ड्रामा है, इसकी कभी आदि होती है? आदि नहीं होती। तो वो सुप्रीम सोल बाप भी कहते हैं, और जिसके द्वारा कहते हैं वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी है, वो भी ऐसे कहते कि मेरे द्वारा, किसके द्वारा? बड़ा अहंकार आता है, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। अरे अहंकार गुरु क्यों कहता है मेरे द्वारा है? क्यों कहता है? अरे जिसको देह रही होगी जन्म जन्मांतर, उसको देह अहंकार होगा कि नहीं होगा? उसको देह अहंकार होगा। और जिसको कभी जे देह धारण ही नहीं की, देह धारण करता है सुप्रीम सोल का हेवनली गॉड फादर, करता है, करता तो है लेकिन आसक्त है, अटैचमेंट, अटैचमेंट में नहीं आया, तो जैसे किया किया नहीं किया। हाँ तो बताया कि मेरे द्वारा, ये देह अभिमानी ने कहा या आत्मा अभिमानी जो सदा रहता है सुप्रीम सोल, उसने कहा मेरे द्वारा? हाँ, तो जिस मुकर रथ में प्रवेश करते हैं वो कहता है मेरे द्वारा, मेरे को जान करके, है? पहले मेरे को जान, क्या मैं बीच में थका सा बैठा हुआ हूं? क्या? कौन? जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना तो बीच में किसको डालते हैं? हाँ, प्रॉपर्टी डीलर को, बिचौलिया को डालते हैं कि नहीं? नहीं डालते। हाँ, जल्दी काम करना हो तो बिचौलिया, बिचौलिया के पास जाना। तो बताया पहले मेरे को जानो, मेरे पास आओ। है बड़ा नशा चढ़ा हुआ है, है? पहले मेरे को जान, फिर मेरे द्वारा सृष्टि के आदि मध्यंत को जान जाते हो। क्या ऐसे नहीं तुम सीधे सीधे निराकार, जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं
क्या निराकार शिव है, ज्योति बिंदु है, वो सृष्टि के आदि मध्यंत को बताता है। वो कैसे बताएगा? कहते हाँ हमारे दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा बताता है। अरे कहाँ है वो? कहते वो तो शरीर छोड़ गया। अरे शरीर छोड़ गया तो काहे के लिए मरूंगा कि पीछे पड़ रहे? अरे ओ मर नहीं गया, वो इसी दुनिया में अभी भी पार्ट बजाए रहा है। अरे भाई कैसे? सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाए रहा, जैसे भूत प्रेत होते हैं ना, ऐसे वो भी प्रवेश करके पार्ट बजाए रहा। काम तो कर रहा है ना, हाँ प्रवेश करके पार्ट बजाए रहा। तो जो पार्ट बजाए रहा है वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है, बता रहा है। क्या दादा लेखराज ब्रह्मा सूक्ष्म शरीरधारी? नहीं बता रहा है ना। तो वो कौन है जिसके लिए मुरली में बोला है सुप्रीम सोल हेवेनली गॉड फादर शिव ने, क्या बोला है कि मैं टेम्परेरी रथ भी लेता हूं और मुकर्रर रथ भी लेता हूं। मुकर्रर माध्यम सदा काल के लिए मुकर्रर है, सृष्टि के आदि में भी मुकर्रर था, पूर्व कल्पों में भी मुकर्रर था, और आगे जो कल्प आएंगे चतुर्युगी आएंगे उनमें भी वो ही तन मुकर्रर होगा। क्या बाकी वो नहीं मुकर्रर तन कहा जाएगा, उसे नहीं भाग्यशाली रथ कहा जाएगा, जो आज है और कल नहीं रहेगा तो उसे भाग्यशाली कहेंगे? विनाशी हुआ या अविनाशी हुआ? विनाशी हो गया। तो बताया हाँ मेरे द्वारा, किसने कहा? जो मुकर्रर रथधारी है उस आत्मा ने कहा, मनुष्य सृष्टि के बाप ने, कि मेरे को जान करके फिर मेरे द्वारा इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। ऐसे नहीं कि निराकार से तुम सीधा जान जाते हो। जान जाते हो? नहीं, आस्तिक बन जाते हो। आस्तिक किसे कहा जाता है? आस्तिक उसे कहा जाता है जो आस्था रखे। किसके ऊपर आस्था रखे? कहेंगे बिंदी के ऊपर आस्था रखे। निराकार आत्मा, निराकार आत्मा को माने, कौन सी आत्मा? आत्माएं तो ढेर है। अरे देव आत्माओं की आत्माएं, ऋषि मुनियों की आत्माएं, राक्षसों की आत्माएं, पशु पक्षियों की आत्माएं, कीड़े मकोड़ों और जाने कितने इंसेक्ट हैं, सबकी आत्माएं हैं कि नहीं है? तो उनके द्वारा नहीं, तो किसके द्वारा? कैसे पता चलेगा है? भाई आत्मा निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप निराकार है, उसके द्वारा। तो बताओ उनमें से कौन सा? सब तो बिंदु 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 एक जैसे, तो कौन से बाप के द्वारा, कौन से आत्मा का बाप है? जो मुकर्रर रथ के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो बताया वो रथ है जिसके ऊपर आस्था रखनी है। आस्था माने विश्वास करना है, निश्चय करना है। अगर उसके ऊपर निश्चय पैदा नहीं किया, अनिश्चय बुद्धि रहे, तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। विनश्यते का मतलब क्या? शरीर छूट जाएगा? शरीर नहीं छूट जाएगा। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनमें पद बन जाएगा। नीचा पद बनेगा कि ऊंचा बनेगा? नीचा चला जाएगा। अगर ऊंच पद पाना चाहते हो तो क्या करो? पुरुषार्थ करो जल्दी पहचानने का। तो बताया निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय बुद्धि विजय थे। किस बात में विजय थे? राजा ही लेने में विजय थे। राजा किसको कहा जाता है? जो युद्ध करके दूसरे राजाओं को जीत ले, उसकी राजधानी को जीत ले, तो विजयी कहा जाएगा ना। हाँ तो उसको जानना है। किसके ऊपर निश्चय पैदा करना है? बीच वालों के ऊपर के अंत वालों के ऊपर के ऊंचते ऊंच के ऊपर? और ऊंचते ऊंचे से दुनिया की बात है या ऊपर निराकारी दुनिया की बात है? वहां ऊंचे नीचे होते हैं? हाँ तो ऊंचे नीचे कोई होते नहीं। इस दुनिया की बात है कि इस दुनिया में जिसके ऊपर आस्था विश्वास निश्चय पैदा करना है वो ऊंचते ऊंचे साकार मनुष्य सृष्टि का वो जगत पिता है, सारे जगत का पिता, विश्व का पिता। बाकी शिव बाप कहते हैं मैं विश्व का पिता नहीं बनता हूं,
मैं नहीं बनता हूं जगत का पिता, न विश्व धर्मों का पिता मिलता हूं। विश्व पिता होगा तो विश्व धर्मों का भी पिता, विश्व धर्म की आत्मा है, उसे अपना बाप मानेंगी या नहीं मानेंगी? आज नहीं तो कब? कल मानेंगी। हाँ, माने मानना जरूर, जो बोला है बताई दिया ना पहले से बताए। फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए, फादर सिर्फ कहे और फादर कब मिले ही नहीं, उसे फादर कैसे कहेंगे? तो निराकार को फादर कहेंगे फिर, जब तक साकार तन के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष न हो। हाँ, तो बताया तो मेरे द्वारा सृष्टि के आदि है, आदि मध्यंत को जान करके फिर तुम आस्तिक बन जाते हो। अगर मेरे द्वारा नहीं जाना है और डायरेक्ट धर्म पिताओं के द्वारा, धर्म पिताओं की तरह इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की तरह निराकार को याद करते रहे तो उनको नास्तिक कहेंगे कि आस्तिक कहेंगे? क्या कहेंगे है? नास्तिक कहेंगे उनको, जैसे किसी के ऊपर आस्था ही, वो अपने को ही बस भगवान मानते हैं। क्या इस दुनिया में वो धर्म पिताएं आते हैं तो जिनके बीच में आते हैं, मान लो 100 साल पार्ट बजाते हैं, हर धर्म पिता ने 100 साल के अंदर पार्ट बजाया होगा ना, तो जो भी पार्ट बजाते हैं तो अपने से ऊंचा और किसी को समझते हैं क्या दुनिया में है? और दुनिया भी उनको ऊंचा मान लेती है कि नहीं मानती? मानती है। तो उनको किसी के ऊपर विश्वास आस्था निश्चय नहीं होता है, इसलिए वो सब है धर्म पिता है नास्तिक। क्या? आस्था न रखने वाले, अनिश्चय बुद्धि विनश्यति, उनका पद क्या हो जाता है? नीचा कह जाता है। नीचा पद होने का मतलब क्या है? जो संसार में सबसे जास्ती सुख भोगता है, कौन भोगता है? अरे विश्व का राज्य हो तो उस विश्व के राज्य में कौन सबसे जास्ती सुख भोगेगा है? कौन? अरे एक अक्षर लिखो, हाँ, राजा भोगेगा कि रानी? राजा भोगेगा, तो वो एक ही हुआ ना सारे विश्व का राजा। ऐसे ही जो छोटे मोटे राज्य हुए हैं तो उनका राजा, अगर कहें इब्राहिम तो कहां का राजा? सारी दुनिया का राजा नहीं, सारी दुनिया में तो विश्व धर्म आते हैं, विश्व धर्म के फॉलोअर्स आते हैं। 500-700 करोड़ के ऊपर तो राजा नहीं बनता? बनता है नहीं? 500-700 करोड़ उसको मानते हैं इब्राहिम को? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। तो बताया वो सब नास्तिक, छोटे मोटे राजाएं बन जाएंगे लेकिन सारे विश्व के राजा नहीं बन सकते। तो इसके पहले तुम नास्तिक थे, अरे क्या, जैसे धर्म पिताएं नास्तिक थे हैं और वो इस दुनिया में बड़े बड़े राजाएं बने तो उनके कंट्रोल में रहने वाले तुम रहे कि नहीं रहे? क्यों रहे? अरे तुमको तो बाप ऊंच थे, ऊंच विश्व मालिक बना के जाते हैं, तो तुम नीच कैसे अपने को समझने लगे, नीच कैसे बन गए? कार है हाँ, देवान कैसे आया? अरे नीचे से लिए बन गए कि तुमने है हाँ, तुमने उस एक बाप को ये नहीं जाना कि वो एक बाप ही संसार में ऊंचते ऊंच मुकर्रर रथधारी के द्वारा ऊंचते ऊंच पार्ट बजाता है, माने उस मुकर्रर रथधारी को आप समान बना के जाता है। जैसे धर्म पिता निराकार को मानते हैं सबसे शक्तिशाली सर्वशक्तिवान, वो निराकार है, लेकिन वो निराकार किसी साकार के द्वारा बनता है ना, तो वो साकार जो है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भले किसी राज्य में रहे लेकिन सबसे जास्ती स्वाभिमान और सबसे जास्ती सुख भोगता है या नहीं भोगता है? हाँ, जन्म जन्मांतर सबसे जास्ती सुख भोगता है। तो बताया इसके पहले तुम नास्तिक थे, तो नास्तिक थे तो सुख कैसे भोगा?
कब नास्तिक हुए? आखिरी जन्म में नास्तिक हुए या उससे पहले जन्मों में? आस्तिक हुए पहले जन्मों में, और लास्ट जन्म में जाके नास्तिक हो गए। क्यों क्यों नास्तिक हो गए? कारण क्या? कि तुमने भी ये समझ लिया क्या कि ये दादा लेखराज के साक्षात्कारों का अर्थ दुनिया में कोई गुरु गुरु घंटाल नहीं बता पाया। ये मैं ही हूं इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा गुरु है, मैंने ही बताया, तो मैं ही हरे, तो मैं ही इस संसार में ऊंचे से ऊंचा सच्चा गुरु हूं, बाकी सब नहीं बता पाया तो झूठे हुए ना। हा? तो ये अहंकार आ जाता है अंतिम जन्म। बताया इसके पहले तुम नास्तिक थे। क्या नास्तिक थे? ये नहीं जानते है? उस अंतिम जन्म में ये तुमने नहीं जाना क्या कि मेरे से भी ऊंचा कोई और होता है? क्यों नहीं जाना? क्योंकि जो उससे भी ऊंचा था उसने उसमें प्रवेश करके दादा लेखराज के साक्षात्कारों को बताया या नहीं बताया? तो उससे भी ऊंचा कोई आत्मा हुई या नहीं हुई? हुई। तो बताया पहले तुम नहीं जानते थे, अभी बाप ने आकर के बताया, अभी तुम जानते हो। तो जब बाप को नहीं जानते हैं तो फिर बाप का वर्षा मिलेगा सुख शांति का? जो सुख और शांति का सागर है, कैसे? निराकार ज्योति बिंदु में या साकार स्वरूप में प्रवेश करके? कैसे सुख शांति का सागर? साकार मुकर रथ में प्रवेश करके सुख का भी सागर और शांति का भी सागर। लेकिन कब? निश्चय बुद्धि उसके ऊपर बनेंगे, उस साकार स्वरूप के ऊपर है, या निश्चय बुद्धि बनेंगे तब? निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सुख मिलेगा, और अनिश्चय बुद्धि बनेंगे तो दुख ही मिलेगा, क्योंकि असली सत्य को तो पहचाने नहीं। तो बताया बाप को नहीं जानते हैं तो वर्षा कैसे मिलेगा? कौन सा वर्षा? अरे इस सृष्टि रूपी रघुमंच पर जो हर आत्मा जो चाहती है चाहना, वो चीज का वर्षा। हर आत्मा क्या चाहती है? इस मनुष्य सृष्टि की हर आत्मा हर प्राणी मात्र क्या चाहता है? अरे कुछ चाहता है कि नहीं है? सुख चाहता है। दुनिया में ऐसी कोई मनुष्य आत्मा नहीं होगी जो सुख न चाहती। हाँ ये बात दूसरी है कि अंतिम जन्म में जाकर के जब विनाश ताबड़तोड़ होता है तो सब दुखी होते हैं, तो बहुत दुखी होते हैं, तो बहुत तंग आ जाते हैं, तो मजबूरी में आके बोलते हैं हमें न सुख चाहिए न दुख चाहिए, हमें तो इस दुनिया से सदा काल के लिए इस दुनिया से निकाल के अलग रहना, हम इस दुनिया में आना ही नहीं चाहते। तो ऐसा तो है ही नहीं। जब भगवान ही इस दुनिया में आता है हेवनली गॉड फादर हेवन बनाने के लिए, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने के लिए आता है, तो कोई रह जाएगा जो इस दुनिया में ना आए? सबको आना पड़ता है। तो बताया जब उस बाप को नहीं जानते हो तो बाप से वर्षा कैसे मिलेगा? नहीं तो वर्षा नहीं मिल सकता। बुद्धि कहती है जब हम बेहद के बाप के बच्चे। कैसे बेहद के बाप के बच्चे हैं? कैसे बेहद के बाप के बच्चे? साकार बेहद बाप के बच्चे नहीं, सिर्फ साकार बेहद बाप के मनुष्य सृष्टि के बाप के मनुष्य रूप में बच्चे नहीं। हा? उस मनुष्य में जो निराकार आत्मा है उस निराकार आत्मा का भी बाप, फिर जिसका कोई बाप नहीं है? हाँ वो दोनों बाप जब एक व्यक्तित्व में एक शख्सियत में पर्सनालिटी में इकट्ठे होते हैं है? तो कहेंगे बेहद के बाप के बच्चे। इसमें दोनों बेहद के बाप हैं कि नहीं है? अरे साकार भी है और निराकार, उस बेहद के बाप के बच्चे हैं जो स्वर्ग स्थापन करते हैं है? अपने आप करते हैं बच्चे नहीं,
उस वेद के बाप के ऊपर आस्था पैदा करते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं है? और विश्वास पैदा करके क्या उसकी सहायता से उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर हरे चल करके क्या बनते हैं है? स्वर्ग के मालिक बनते हैं। मालिक बनते हैं माने बाप मालिक बनता है तो बच्चे भी क्या कहेंगे, हम भी मालिक। तो जब उनके बच्चे बनते हैं, उनके क्यों कहा है? अरे वो एक है कि दो है या दो से ज्यादा है? दो है, एक नहीं स्थापन कर सकता। नई दुनिया एक स्थापन कर सकता है कि निराकार स्थापन कर लेगा कि सिर्फ साकार स्थापन कर लेगा? कर लेगा नहीं। उन दोनों के बच्चे हैं। अब बाबा बाबा कहते हैं क्या, जिसे मैं प्रवेश करते हैं वो भी बाबा, क्योंकि प्रवेश करने वाला भी बापों का बाप है कि नहीं, धर्म पिताओं का भी बाप, आदम अर्जुन आदिनाथ आदिदेव जगत अरे जगत पिता, और उसका भी बाप सुप्रीम सोल, फिर उसका कोई बाप नहीं। तो कहेंगे तो बाप ना, भले बापों का बाप बाबा कहा जाता है, हेवनली गॉड फादर को बाबा कहते हैं ना, तो वो भी बाबा, और जिसे मैं प्रवेश करते हैं वो मनुष्य सृष्टि का आदम भी बाबा आदम, ऐसे कहते हैं ना, तो बाबा, तो उसको आप समान बाबा बना के जाते हैं। शिव बाबा भी बाबा, जो प्रवेश करने वाला शिव है वो भी अरे वो भी बाबा, और कौन बाबा, जिसे मैं प्रवेश करते हैं उसको भी आप समान बाबा, सदा काल के लिए इस सृष्टि में बना के जाते हैं, तो उसको भी कहा जाता है शिव बाबा। कहेंगे कि नहीं, हाँ कहा जाता है शिव बाबा, भले पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं लेकिन कहते तो है ना शिव बाबा। हाँ मंदिर में जाएंगे तो शिव बाबा कहते हैं, तो हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना। अच्छा फादर कहते हैं तो हमको तो फादर है, है? हमको क्या है, कैसा फादर है? हेवनली गॉड फादर है हमको, सबको है, सबको है। अरे हमको या सबको, क्या अंतर है? हाँ हमको क्यों कहा, सबको क्यों नहीं? क्योंकि सब तो स्वर्ग में नई दुनिया में नहीं जाते हैं, और हम बच्चे तो हैं जो उस बाप ने अव्वल नंबर सूर्यवंशी जो दुनिया स्थापन की उसमें हम बच्चे जाते हैं। तो हमको तो फादर है, वो हेवनली गॉड फादर प्रैक्टिकल में है। सब के लिए कहेंगे हैं, इनके लिए कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे? इनके लिए न ब्रह्मा के लिए और ब्रह्मा चौमुखी ब्रह्मा को फॉलो करने वालों के लिए कहेंगे क्या है कि इनका फादर है? है इसी शरीर से नहीं, अच्छा कौन से शरीर से है? है सूक्ष्म शरीर में फादर, सूक्ष्म शरीर का फादर भी कैसा होगा, सूक्ष्म होगा कि स्थूल होगा? सूक्ष्म शरीर भूत का बाप भी भूत होना चाहिए ना, भूत है कि भगवान है? एक होते हैं भूतों को पूजा करने वाले, और एक होते हैं देवताओं की पूजा करने वाले, और एक होते हैं सीधा भगवान को पहचान करके भगवान को मानने वाले। भक्ति मार्ग में भी उनके भगवान का जो सामने सच्चा सच्चा सामने बैठने वाला जो स्वरूप होता है, बाप समान बनता है, उसको पूजते हैं। तो बताया तो हमको है, हमको तो फादर है, हेवनली गॉड फादर। नैन को है, नैन के फॉलोअर्स को इस जन्म में है, इस जन्म में है, और है भी मान लो कि हां है, तो वो जो सूर्यवंश का अव्वल नंबर
विष्णु लोक का वर्षा है, वैकुंठ लोक का वर्षा, वो प्राप्त करने वाले ये बनेंगे है? साकार शरीर से बनेंगे? नहीं बनेंगे। पराय शरीर में प्रवेश करके बनेंगे या अपना शरीर होगा आत्मा का है? पराय शरीर में प्रवेश करके बनेंगे। तो हमको तो हेवनली गॉड फादर है, तो न इनको है न इनके फॉलोअर्स को है, न उन धर्म पिताओं को है और न उनके फादर्स को, हमको है। तो हम हेवन में होने चाहिए क्या? लटका दिया। अरे जब हम हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो कहां होने चाहिए? हेवन में होना चाहिए ना। करोड़पति का बच्चा है तो कहां होना चाहिए? करोड़पति के पास होना चाहिए कि नहीं है? और कहे करोड़पति का बच्चा हूं और पैसे पैसे के लिए मोहताज हूं, तो कहेगा कोई कि बाप से कनेक्शन है, बाप की गोद में है, नजदीक है? है कि नहीं? नहीं है। तो बताया हेवन में होना चाहिए, तो हेवन में क्यों नहीं है? और बीच बीच में माया रावण दुखी क्यों करता रहता है? करता है कि नहीं? क्यों करता है बीच बीच में? और माया रावण की गोद में चले जाते हो क्या? हल जाते हो कि नहीं? उसके संग के रंग में भाई हमें जाना जरूर है, अब मजा आ रहा है हमको उधर जाने, मजा आता है? अरे मजा आता है कि दुखी रोगी परेशान बीमार धीमार कर दिया रावण ने? कैसे बीमार धीमार कर दिया? जो स्वर्ग में नई दुनिया बाप ने बनाई थी उसमें बीमार धीमार होते थे? नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि ये जो रावण है ना दस मुखों वाला है, इनको अपनी देह का अहंकार बहुत है। कौन सी देह? देह के कौन से अंग का बहुत अहंकार? अरे रावण पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष है। तो पुरुष में सब दुर्योधन दुशासन, किस बात का अहंकार उनको होता है? कौन से अंग का? देह का कौन सा अंग है जिसका उनको बड़ा अहंकार होता है? अच्छा बुद्धि का अहंकार होता है। अच्छा काय का अहंकार है? काम अंग का अहंकार। कौन से अंग का अहंकार? जो पुरुष हैं, चाहे कोई भी बड़े से बड़े इस दुनिया के धर्म पिताएं हों, उन आत्माओं को कौन सा अहंकार होता है? काम अंग का अहंकार। क्योंकि पुरुष है ना दुर्योधन दुशासन, वो का अहंकार है कि हमारे पास तो शस्त्र है, हम तो दुनिया को जीत लेंगे इस शस्त्र से। अरे तुम्हारे पास भाला है, तो शिव बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसके पास कुछ नहीं है क्या? है क्या है उसके पास? उसके पास बड़े से बड़ा भाला है, और एक भाला नहीं, कितने? तीन भाला, त्रिशूल कहा जाता है। शंकर जी को त्रिशूल दिखा दे जगत पिता को? हाँ। तो बताया वो तीन शूल हैं। कौन से तीन शूल? जिससे सारी दुनिया को जीत लेते हैं, ब्रह्मा के द्वारा। दादा लेखराज ब्रह्मा, चौमुखी ब्रह्मा के द्वारा 500-700 करोड़ को ब्राह्मण बनाए लेते हैं कि नहीं? भले नीच कुरी के ब्राह्मण बच्चा बनाते हैं, लेकिन अपना बच्चा बनाते कि नहीं? सब ब्राह्मण बनती है, सारी दुनिया बनती है। और फिर उन ब्राह्मणों में से जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ ऊंचे थे, ऊंची कुरी के, अव्वल नंबर कुरी के, अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर धर्म स्थापन होता है, विष्णु कुल है, उसको पहचानते हैं, जानते हैं, उस विष्णु कुल में विष्णु लोक में जाते हैं। सारी दुनिया के सारे ब्राह्मण तो नीची कुरी के नहीं जाते। कौन जाते हैं? जो असल सूर्यवंशी होते हैं वो भी जाते हैं, और उनको जो फुल सरेंडर हो जाते हैं, कैसे? अपने तन से भी है, अपने धन से भी, अपने मन से भी, और सगे संबंधियों की ताकत से भी, और जो भी टाइम रह गया क्या, उस टाइम सबसे बड़ी जो पावर है आज की दुनिया में क्या है? काय की वैल्यू ज्यादा है? समय की, टाइम की वैल्यू ज्यादा है। कोई टाइम नहीं देना चाहता, तो सारा का सारा टाइम जो उस
विष्णु की सेवा में लगाते हैं, विष्णु कहो या नो विष एट ऑल कहो, जिसमें विष विषय विकार का नाम निशान नहीं रहता, वो एक कौन? वो एक आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं। तो वो बताया कि उसके लिए भी बताया है कि भाई हम हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं, है? जो हेवन बनाने का रास्ता बताता है, तो फिर हम नरक की दुनिया में क्यों बैठे हैं? हम हेवन में होना चाहिए ना, है विन जीत लेना चाहिए कि हार खाना चाहिए, है? और हार खा करके शंकर जी की तरह भागे भागे फिरना चाहिए भस्मासुर से, है? कि सामना करना चाहिए राम जी की तरह जंगल के जंगलों में छुप छुप करके लड़ाई करना चाहिए कि मैदान में आके लड़ाई करना चाहिए, है? कृष्ण कन्हैया की तरह कंस के डर से गांवों गांवों में भाग भाग करके छुपना चाहिए या मैदान में आना चाहिए, है? डरते हैं तभी तो, अरे डरते हैं कि नहीं? अरे बोलो, अच्छा डरते नहीं, अच्छा तो फिर बताए दो, फिर बताए दो सबको जो पूछते हैं कौन है कहाँ है, हैं? युक्ति किसकी युक्ति? तुम्हारी युक्ति है? हैं? युक्ति से चलते हैं आप सब बच्चे, अब तो एक की बात है ना, वो युक्ति से चलता है। क्या युक्ति? कि आमने सामने की लड़ाई में झगड़ा हो जाएगा, और जो पंडा बाप के पांडव बच्चे हैं वो तो झगड़ा करते नहीं, युक्ति से काम निकालना है। तो काम निकालने के लिए जो छुप के काम किया जा सकता है गुप्त रह करके, कि भाई गुप्त रह करके अपना संगठन बनाते रहो, क्या दुनिया की जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका माला रूपी संगठन बन जाए, श्रेष्ठ आत्माओं का माला में थोड़े मड़के होंगे कि सारी दुनिया होगी, थोड़ी आत्माओं का संगठन जब तैयार हो जाए, हेवनली गॉड फादर का हेवन का संगठन, हेवन बनाने में जो सबसे जास्ती सहयोग देने वाली हैं, उन सहयोगी भुजाओं का संगठन, हजार भुजाओं का कम से कम तैयार होना, तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रत्यक्ष हो जाएंगे कि नहीं? फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो अभी हेवन में नहीं हो सकते, कब तक? जब तक ऐसा दुनिया की चुनी हुई, हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन तैयार न हो जाए। बताया, अरे सुप्रीम सोल हेवनली गॉडफादर तो सब बताई दिया पहले से, क्या बताई दिया? एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर क्या होगा, है? एक संगठन दूसरे को और फिर सारे संगठनों को खींच खींच करके दुनिया में जो नौ धर्मों के आस्तिक संगठन है सबसे जास्ती सुख भोगने वाले नंबर वार, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे एक माला के मण के, एक के सूत्र में, एक के स्नेह के प्यार के सूत्र में बंध जाएंगे। क्यों? माला तो 108 की, हजार 1008 की गाई हुई है, तो एक कैसे? अरे सबको नहीं प्यार करेंगे उतना जितना एक को प्यार करेंगे। किस एक को? अरे माला में ऊपर कौन होता है? माला में ऊपर फूल होता है, होता है कि नहीं? उसको फूल को दिखाते हैं, कमल का फूल है, उसको फूल भी दिखा देते हैं, बहुत हल्का फूल है। कमल का फूल हल्का होता है कि नहीं? फूलों का राजा कौन माना गया? कमल। तो रानी भी होगी, राजा अकेला काम कर पाएगा इस दुनिया में? राजा ही चला पाएगा? नहीं, उसको तो धारणा शक्ति चाहिए, राजधानी माने राजाई की, राजा चलाने, राजा की राजाई चलाने की धारणा शक्ति चाहिए। तो वो धारणा शक्ति तो कन्याओं माताओं में होती है या पुरुष रूप में होती है? है? कन्याओं माताओं में धारणा शक्ति, आज की दुनिया में भी देख लो, जो भी पढ़ाइयां दुनिया की लौकिक पढ़ाइयां पढ़ाई जा रही हैं, भौतिकवादी पढ़ाइयां, उनमें कन्याएं माताएं ज्यादा तीखी जा रही हैं
या जो कंडुए हैं दुर्योधन दुशासन, वो ज्यादा तीखे जा रहे हैं? कौन ज्यादा तीखे जा रहे हैं? हाँ, तो कन्याएं माताओं में धारणा ज्यादा होती है, ज्ञान की भी धारणा प्रैक्टिकल में धारण करती है और दिव्य गुणों की धारणा भी धारण और शक्ति की भी धारण करती है। काय बात से शक्ति आती है, पवित्रता की पावर से शक्ति आती है। पवित्रता की पावर सब में किससे ज्यादा होती है? पवित्रता की पावर ऐसे नहीं मनुष्य सृष्टि के बाप में होती है, वो भी अंत में आकर के सबसे जास्ती अपवित्र तमो प्रधान बनता है कि नहीं है? हाँ, पतितम कामी कांटे में शिव प्रत्यक्ष होते जब तक पुरुषोत्तम संगम युग तब तक। क्या कहा? पुरुषोत्तम असामान्य संगम युग तो हो सकते हैं सत्युग त्रेता त्रेता द्वापर कलयुग के, लेकिन पुरुषों को मनुष्यों को आत्माओं को उत्तम से उत्तम आत्मा बनाने वाला युग जो है वो पुरुषोत्तम संगम युग है। वो एक ही बाप है हेवनली गॉड फादर, जो आत्माओं का बाप है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है साकार में प्रवेश करके है। तो वो जब तक प्रत्यक्ष न हो संसार में, प्रत्यक्ष होना माने जैसे बच्चा इस संसार में प्रत्यक्ष होता है ना, तो कहते हैं जन्म लिया, तो जब तक उसकी सच्ची सच्ची जयंती न हो। कैसी जयंती? और जयंतियां तो वर्ष वर्ष मनाते ही रहते हैं, क्या हर साल शिव जयंती मनाते हैं कि नहीं? हाँ, ब्रह्म कुमार कुमारियां भी मनाते हैं, लेकिन वो तो झूठ ही पहचान करके मनाते हैं। नहीं, दुनिया वाले जैसे मनाते हैं तिथि तारीख में, भले उन्होंने भी नकल कर ली, बंदर है ना, बंदर बंदरियां वो नकल करना बहुत जानते हैं, भारत के बंदर तो बहुत प्रसिद्ध है। तो बताया कि देखो मैं आकर के शिव सुप्रीम सोल आकर के बंदरों को मंदिर लायक देवता बनाते हैं। हाँ, और देवता भी कब बनता है? जब जब देवी का सहयोग मिले। क्या देवता पुरुष है इस दुनिया में? पुरुष रूप में है देवता बनने वाली आत्मा या स्त्री रूप में? पुरुष रूप में। तो किस दुर्योधन दुशासन हुआ कि नहीं? हाँ, दुर्योधन दुशासन। तो वो दुर्योधन दुशासन वृत्ति जो है वो छूट नहीं सकती। कब तक? जब तक वो स्त्री चोला धारण करने वाली माता प्रैक्टिकल में जो ज्ञान को धारण करने वाली है, दिव्य गुणों को धारण करने वाली है और पवित्रता की पावर जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर कही जाती है। दुनिया के सारे काम कौन सी पावर से होते हैं? पवित्रता की पावर से होते हैं। जिसमें जितनी जास्ती पवित्रता होगी वो उतना ही जास्ती विजयी होगा। क्या? जैसे इस सृष्टि में आदि नारायण भगवान आके नरको नारायण बनाते हैं ना, नारायण बनाने का रास्ता बताते हैं कि नहीं? बताते। तो बताया वो आदि नारायण जो है उसकी क्या खासियत? वो आत्मा इस दुनिया में जन्म जन्मांतर जब तक रहती है, और रहती तो हमेशा ही है, तो विजयी बन करके रहती है इस लास्ट जन्म में। अरे लास्ट जन्म में चलो लगातार विजयी नहीं होती, लेकिन अंतिम टाइम पर सारी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त करती है या नहीं करती? करती। तो ये विजय के संस्कार कैसे आए? जन्म जन्मांतर विजय का पार्ट बजाया है तो अंतिम जन्म में भी वो विजय के संस्कार आ गए। तो बताया तुम बच्चों को हेवन में होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो? क्योंकि जो हेवनली गॉड फादर हेवन का रास्ता बताने वाला है वो ही अभी गुप्त है, है? और गुप्त पार्ट बजाय रहा है। जब तक वो प्रत्यक्ष न हो जाए सारी दुनिया न जाने कि हाँ हेवनली गॉड फादर ने जन्म ले लिया, असली शिव जयंती एवरलास्टिंग हो गई, जिसके बाद कोई भी शिव जयंती नहीं मनाएगा। मनाएगा? मनाने की बात नहीं, फिर तो जानने पहचान करके चलने की बात है। तो बताया तब तक हम बच्चे भी हेवन में नहीं हो सकते जब तक वो सुप्रीम सोल बाप मुकर्रर के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्ष। किसके द्वारा प्रत्यक्ष होगा? अरे नंबर वार प्रत्यक्ष करने वाले होंगे कि एक जैसे होंगे माला में? हाँ,
अरे कौन नंबर वन? अरे तेरे को तो फट से लिखना चाहिए, ऐसे महिमा करता रहता है भक्तों की तरह, लिखता नहीं जल्दी से। हाँ आदि लक्ष्मी, लक्ष्मी तो ढेर सारी बनती है, कुछ रोज गड़बड़ कर देगा। कौन सी लक्ष्मी? जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आदि लक्ष्मी बनती है, आदि में सबसे पहले सृष्टि की आदि में, तो वो पहचानेगी तो सारी दुनिया को वो क्या करेगी, उस बाप का परिचय देगी। तो बाप का परिचय कौन देती है? मां देती है कि बाप देता है कि भाई लोग, बड़े भाई छोटे भाई, छोटी बहने छोटे बड़े बहने में देती है, कौन देता है परिचय? अरे ये दुनिया वसुधैव कुटुंबकम बनेगी, तो वसुधा सारी कुटुंब बनेगी भगवान का, एक बाप का कुटुंब बनेगी, एक बाप के बच्चे बनेंगे। तो फिर उस बाप को पहचानने वाला पहले पहले कौन? मां। कौन सी मां? कहते हैं पुरुष है, पुरुष है जेंट, और माता है फीमेल, है ना, मेल और फीमेल। तो जो आत्मा है वो मेल है या फीमेल है? आत्मा है मेल, और आत्मा जिस शरीर का आधार लेती है वो शरीर है फीमेल। फीमेल की मेल है, फीमेल। ये अंतर क्यों है? जबकि वो अव्वल नंबर है बाप को संसार में प्रत्यक्ष करने के लिए सारे वसुधैव कुटुंबकम के सामने, वो एक ही आत्मा है, तो फिर वो पहला नंबर होना चाहिए या दूसरा नंबर होना चाहिए? पहला नंबर तो पुरुष होना चाहिए कि प्रकृति होना चाहिए? प्रकृति को कहेंगे स्त्री, और पुरुष को कहेंगे पुरुष। पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में रहने वाला। तो प्रकृति के जो पांच तत्व हैं वो सदैव, जो पांच तत्व जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो सब मनुष्य आत्माओं के पांच तत्व जो हैं वो आत्मा पुरुष के कंट्रोल में सदाकाल रहते हैं। पांच सौ सात सौ करोड़ मनुष्य आत्माओं के अंदर कोई आत्मा है, जिसके शरीर के पांच तत्व उसके कंट्रोल में आ जाए? कोई है? कोई नहीं है, हमने पहचाना ही नहीं हो सको, ना है ना वो कोई हो। अब कहता है एक है, फिर दो बाद में कहेगा हाँ दो है, बदलता रहता है। अरे कोई है कि नहीं है? तेरे की नहीं, जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर है सदा शरीर से भी कायम रहता है, पांच तत्वों का सार के रूप में कायम रहता है, और आत्मिक रूप में भी कायम रहता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वो कौन? वो ही मकुर रथधारी शिव, जिसमें प्रवेश करता है, जिसको कहा जाता है शिव आप समान, उसे भी शिव बाबा बना के जाता है क्या? तो बताया वो उसमें प्रकृति भी है सदाकाल, उसमें कौन है? पुरुष भी है सदाकाल। तो साकार सृष्टि स्थापन हो जाएगी उसे एक के द्वारा है? अरे उसमें माता नहीं है, प्रकृति माता नहीं है सार रूप में है? हाँ उसके अंदर है ना। अरे वो आज भी यादगार में दिखाया जाता है ना, क्या दिखाया जाता है? अर्धनारी ईश्वर, आधा हिस्सा पुरुष आधा हिस्सा नारी, लेकिन व्यक्तित्व एक ही है या दो है? प्रैक्टिकल में एक है या दो है? और प्रैक्टिकल में नई सृष्टि बनाने के लिए दो चाहिए कि एक चाहिए? दो है, दो चाहिए। तो वो दूसरा कौन? दूसरी जो है वो प्रकृति है या सदाकाल पुरुष है?
है, वो सदाकाल प्रकृति है। भले ये हो सकता है कि प्रकृति के भी दो रूप हैं, एक है परा प्रकृति, परे ते परे रहने वाली, और एक है अपरा प्रकृति, जो परे ते परे नहीं है, थोड़ी नीची टाइप की है। तो एक है भारत माता है और दूसरी है पृथ्वी माता है। तो पृथ्वी माता में सारे धर्म पलते हैं, और भारत माता में जो असली भारत माता का रूप है वो किसको पालना देती है? वैष्णवी शक्ति है, किसको देती है? सिर्फ देव आत्माओं को पालना। देव आत्माओं में भी वो देव आत्माएं नहीं जो दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाती है, क्योंकि स्वर्ग में भी एक जैसे देवताएं नहीं होते, एक जैसी पीढ़ियां नहीं होती। अरे एक पीढ़ी के बाद दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी आती है कि नहीं आती है? तो बाद वाली पीढ़ियां कमजोर होंगी, आत्माएं कमजोर पार्टधारी होंगे कि पहली पीढ़ी जैसे पावरफुल होंगे, 16 कला संपूर्ण होंगे? नहीं होंगे। तो बताया कि जो पहली पीढ़ी के हैं कौन? सूर्यवंशी। वो सूर्यवंशी जो बीज रूप आत्माएं हैं, वो भी जब तक वो प्रकृति के परारूप का सहयोग न लें, तब तक क्या? तब तक नई सृष्टि, साकार सृष्टि, नई हेवन की दुनिया बनाए नहीं सकते। मन बुद्धि का सुख भोगेंगे, शरीर की इंद्रियों का सुख नहीं भोगेंगे। उस मन बुद्धि के सुख भोगने में वो परा प्रकृति होगी या नहीं होगी? हाँ, वो भी होगी, क्योंकि मन बुद्धि भी तो जड़त्व में ही बनती है या नहीं बनती है? मन बुद्धि भी जड़त्व में ही बनती है, तो वो मन बुद्धि है, बाकी इंद्रियों का रूप नहीं है। है इंद्रियों का रूप कब बनती है? जब नई सृष्टि बनती है साकार शरीर वाली, तो वहां स्त्री भी साकार चाहिए अलग से और पुरुष भी साकार चाहिए। तो पहली पहली कौन? पहली पहली स्त्री कौन है? उसमें पांच तत्वों का संघात होगा या नहीं? होगा, लेकिन कैसा संघात? हाँ, परम ब्रह्म साकार रूप में उसको कहा जाएगा, अगर कहें तो। क्योंकि उसी से सारी दुनिया जन्म लेती है। जो मनुष्य सृष्टि का पहला बच्चा गाया जाता है शास्त्रों में है कृष्ण 16 कला संपूर्ण, तो वो भी किससे जन्म लेगा है? उन शास्त्रकारों ने तो दिखाई दिया कि पान, वो क्या नाम, पीपल के पत्ते पर आया है। अब पीपल का पत्ता तो सदा काल हिलता डुलता रहता है, कभी स्थिर होता है? हिलता है कि नहीं? सदा काल हिलता रहता है, लेकिन वो पीपल के पत्ते पर कृष्ण नहीं आता है, जिसके लिए कहा जाता है नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। डूबेगी नहीं माने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल रहती है। कौन? जगदम्बा, जिसे धरती माता कहते हैं। लेकिन सदा काल रहती तो है, लेकिन वो लेफ्टिस्ट है, लेफ्ट रूप में पार्ट बजाने वाली है कि राइटिस रूप में पार्ट बजाने वाली? लेफ्टिस्ट रूप में पार्ट बजाने वाली। हाँ, कैसा लेफ्टिस्ट रूप में? सबके गले काटती है, है? सब आसुरों के गले काटती है या किसी को छोड़ देती है? सबके गले काटती। तो वो कौन है जो सबके गले के नहीं काटती है? कम से कम है सबका गला काटने में सहयोगी नहीं बनती है, है महाकाली की, लेकिन एक का गला नहीं काटती। गला काटना माने धोखा देना है, बेवफाई करना या वफादार रहना है? धोखा देना हुआ ना। हाँ, तो वो उसका तो विरुद्ध है। क्या? जन्म जन्मांतर वरों शंभु न तू रहो कुआरी। या तो मैं
उस स्वयंभू को वर्ण करूंगी। स्वयंभू माने जो अपने आप संसार में प्रत्यक्ष होता है, अपने आप प्रत्यक्ष होता है कि कोई करने वाला है। हाँ, ऐसे नहीं कि शिव सुप्रीम सोल प्रत्यक्ष करता है, प्रत्यक्ष नहीं करता है, वो तो ज्ञान सुनाता है। अब जो सुन करके धारण करे, मनन चिंतन मंथन करे, व्याख्या करे, दूसरों को सुनाए और खुद बने, तो वो फिर पहला पहला बड़ा देवता बनेगा, महादेव बनेगा। तो वो ही बात बताई कि पहले तुम बच्चे ये नहीं जानते थे क्या कि हम को वर्षा कैसे मिलेगा स्वर्ग का, और किससे मिलेगा, मीडिया कौन होगा। अब तुम जान गए हो कि जो साकार मीडिया होगा ये मनुष्य सृष्टि का बाप होगा, लेकिन वो भी अकेला नहीं। वो कब होगा, जब वो इस साकार मनुष्य सृष्टि में प्रकृति रूपी जो स्त्री चोला है उसका आधार ले। ओम शांति।